एक और चीज समझिए जरा, जम्मू कश्मीर के लिहाज से जम्मू में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा। जम्मू कश्मीर को क्या कुछ मिला है उस बजट में, 3 साल में 100 नए जिलों में योजना लागू होगी, शुरू होगी। 100 नए जिलों में योजना शुरू होगी। लेह में केंद्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय लेह में बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लेह को तोहफा इस बजट में दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लेह को तोहफा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। 3 साल में 100 नए जिलों में योजना शुरू की जाएगी। आसिफ रशीद हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारे सहयोगी आसिफ रशीद, जम्मू कश्मीर के लिहाज से बताइए और कुछ क्या खास मिला है इस बजट में। देखिए, इस बजट पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें सबकी थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थी, और जिस तरीके से उम्मीदें लोग लगा रहे थे, या फिर 2-3 सालों का अगर आकलन करें, पिछले 2-3 सालों के अगर आप आंकड़े उठाकर देखें, तो उस हिसाब से बजट में जम्मू कश्मीर के लिए जो उम्मीदें थी, शायद उनके विपरीत फिलहाल बजट नज़र आ रहा। 2 चीज़ें इसमें काफ़ी अहम है। एक तो ये कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनने के बाद ये जो एक तो पहले से मांग रही कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां पर, जिसको सरकार ने आज फिर वो वादा दोहराया इस बजट के जरिए कि हाँ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख के अंदर लेह में बननी थी, जिसकी काफी पुरानी मांग थी, वो जरूर एक तोहफा लद्दाख और लेह के लिए माना जा सकता है इस बजट में आज। लेकिन अभी तक जो रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, इसको वो पुराना वादा और दोबारा से उसको दोहराना, यही फिलहाल कहा जा रहा। जो खासतौर से अगर अभी कुछ लोगों की वहां से प्रतिक्रिया आई है, जो लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं इस बजट के 1-1.5 घंटे के अंदर, उनकी बात को अगर सही माने तो साल 2018-19 में जो इससे पहले सरकार की तरफ से लेह और लद्दाख के लिए कहा गया था, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने की बात हुई थी, या अब जिस तरीके से बजट पेश हुआ, तो बजट में एक यूनिवर्सिटी को देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो फर्स्ट रिएक्शन लद्दाख से इस वक्त सामने आ रहा है, पॉलिटिकल रिएक्शंस की अगर बात करें। वहीं गैस पाइपलाइन की जहां तक आपने बात की जम्मू कश्मीर के लिए, तो ये पुराना प्रोजेक्ट जरूर, जिसका बार बार सरकार, इससे पहले 6 बार इसका नाम सरकार ले चुकी थी, ये 7वीं बार लगभग आज इस बजट में, और केंद्र शासित प्रदेश जब से बनाया तब पहली बार आज दिल्ली के अंदर, यानी इस बजट के अंदर सरकार की तरफ से इसका जिक्र जरूर किया गया है। मगर अगर ओवरऑल देखें, रिव्यू करें इसका, तो जो उम्मीदें अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की थी, एक बहुत बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म से जुड़े हुए लोग, उनके लिए बजट को जब और हम खोल कर देखेंगे तो यह भी पता चलेगा कि गहराई में जाने के बाद सरकार की तरफ से यही जानना चाह रहे थे आसिफ रशीद कि जिन बातों का जिक्र किया गया है बजट में, और सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन होता है जम्मू कश्मीर के लिहाज से देखा जाए, खासतौर पर कश्मीर के लिहाज से, लेह के लिहाज से देखें, तो पर्यटन के लिहाज से क्या लग रहा है आपको, उम्मीदों पर खरा उतरा है बजट? देखिए, पिछले 2-2.5 साल के अंदर अगर आप देखें जिस तरीके से हालात रहे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, या जब से 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया था, तो उसके बाद सबकी नज़रें इस चीज़ पे थी कि 2 सेक्टर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, एक तो ये कि जो टूरिज्म के सेक्टर को अगर मजबूत किया जाता तो एक बहुत बड़ी आबादी को कवर किया जा सकता है और रोजगार का बहुत बड़ा मौका जम्मू कश्मीर के अंदर बन सकता है। उस पर देखने वाली बात यह होगी थोड़ी देर में जब हम इन डिटेल जाएंगे, सरकार की तरफ से मोबाइल एप्लीकेशन पर भी पूरी डिटेल्स रखी जाएंगी। हालांकि जब थोड़ी देर पहले निर्मला सीतारमण तमाम चीजों को बता रही थी, दिखा रही थी कि क्या जम्मू कश्मीर के लिए है, उसमें ज्यादा चीजें निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन इन डिटेल जब हम जाएंगे तो यह भी पता चलना चाहिए यहां पर कि इंडस्ट्रीज जो बार बार सरकार की तरफ से, और पिछले 5-6 महीनों के अंदर जो सरकार ने टूरिज्म के साथ साथ, पर्यटन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिसीज नई बनाई हैं, उनके तहत जो काम हो रहा है, क्या वो इस बजट में जमीनी सतह पर अमलाने में कामयाबी मिलेगी सरकार को, यह देखने वाली बात होगी। जिसकी पिक्चर पाइपलाइन का जो जिक्र कर रहे थे जम्मू कश्मीर को लेकर आसिफ रशीद, क्या लगता है कि अब जो इस बजट में जिक्र किया गया है 21-22 में, उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है? देखिए, 6 डेडलाइंस इससे पहले खत्म हुई हैं, और पिछली बार भी हमने ये मामला जब उठाया था तो उस वक्त भी सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था। अब चूंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बिछाई जा चुकी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पर जो बचा हुआ काम है वो कब होगा। उमर अब्दुल्ला की सरकार से इस पर काम होता चला आ रहा, और साल 2021 में एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में भी हम जब कदम रख चुके हैं, तो इंतजार इस बात का है कि 7 से 8 साल जब मुकम्मल हो चुके हैं, अब जब सरकार ने दावा किया है, सरकार भी ये कह रही है कि वो विकास के लिए बद्ध है, तो शायद इंतजार जो है 2022-23 तक खत्म हो सकता है। और जो कहा जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो जिक्र हो रहा है, आपने कहा कि जो रिएक्शंस आ रहे हैं फौरी तौर पर, जो पहली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो लोगों की क्या आ रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर लेह में होने चाहिए?
देखिए इससे राहत की बात जरूर है उन स्टूडेंट्स के लिए। आपको याद होगा कि 6-7 महीने के लिए लद्दाख, जब भी बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो लद्दाख का ये पूरा जो रीजन है ये कट कर रह जाता है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि पूरी दुनिया से। और एक ही रास्ता रहता है लद्दाख पहुंचने का, वो है एयर ट्रैफिक। अगर चलता हो यहाँ पर आप जहाज के जरिए जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं रहता। और ऐसे में उन स्टूडेंट्स के लिए